हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम सीखेंगे आप अपने वोटर आईडी कार्ड को दूसरी जगहों पे शिफ्ट कैसे करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ में वोट डालते हैं, किसी वजह से हम दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं, तो दिल्ली में हम वोट नहीं डाल सकते जब तक हमारा वोटर आईडी कार्ड दिल्ली में शिफ्ट नहीं हो जाता। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सीख लेते हैं आप अपने वोटर आईडी कार्ड को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कैसे कराते हैं। आप किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और टाइप करेंगे nvsp.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सबसे पहले वेबसाइट आप देखेंगे https://www.nvsp.in, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप यहां राइट में देखेंगे लॉगिन, लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है, आपके पास यूजर पासवर्ड है, तो यहाँ यूजर डालेंगे, नीचे पासवर्ड डालेंगे, यहाँ कैप्चर कोड फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर अभी तक आपने कोई अकाउंट नहीं बनाया है, आपके पास यूजर पासवर्ड नहीं है, तो नीचे देखेंगे आप रजिस्टर एस ए न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ कैप्चर कोड डालेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली ओटीपी सेंड होने के बाद, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आने के बाद, इंटर ओटीपी के सामने ओटीपी टाइप करेंगे। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। नीचे आप देखेंगे आई हैव एपिक नंबर, इस पे क्लिक करेंगे। नीचे एपिक नंबर के सामने अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, नीचे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते ही लॉगिन के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर रिडायरेक्ट नहीं होता, आप यहां से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहां यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चर कोड फिल करेंगे, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद आप यहां देखेंगे राइट में फॉर्म लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप दूसरे नंबर देखेंगे फॉर्म 6, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, इनमें से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पिछला वीडियो इसी के बारे में बनाया था, लेकिन एक भाई ने कमेंट किया कि आपका ये वीडियो समझ में नहीं आया, इसलिए अब की बार हम हिंदी भाषा का चयन करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर आप देखेंगे जहाँ पर रेड कलर का स्टार बना है, उसे फिल करना अनिवार्य है। सबसे पहले हम राज्य सेलेक्ट कर लेते हैं। राज्य में हमने NCR आप दिल्ली ही कर दिया। विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दाहिने में आप देखेंगे जिला, हम यहाँ से जिला सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी जिला पड़ता है। उसके बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे पहली बार की मतदाता के रूप में, अगर आप पहली बार ये वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं तो यहाँ पहला वाला सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आप इस वोटर आईडी कार्ड को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो दूसरा सिलेक्ट करेंगे। हमको इस वोटर आईडी कार्ड को दूसरी जगह शिफ्ट करना है, इसलिए हम दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम नाम डाल देते हैं, आपका क्या नाम है वो डालेंगे। यहाँ देखेंगे हिंदी में आ जाता है, हिंदी में अगर नहीं आता है तो यहाँ से कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गूगल ट्रांसलेट में जाकर आप वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। नीचे उपनाम में, उपनाम में अपना उपनाम डाल देते हैं। आप देखेंगे यहाँ हिंदी में आ जाता है, नहीं आता है तो आप यहाँ कीबोर्ड का इस्तेमाल करके या फिर गूगल ट्रांसलेट में जाकर वहां लिखकर यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे आवेदक के नातेदार का नाम, यहाँ पर आप जो भी वोटर आईडी में जिसका नाम चाहते हैं, जैसे माता का, पिता का है, किसी का भी आप नाम चाहते हैं, जिसका भी नाम चाहते हैं वोटर आईडी में उसका नाम डालेंगे। जैसे हमें पिता का नाम चाहिए, हम यहाँ पिता का नाम डाल देते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे आवेदक के नातेदार का उपनाम, यहाँ आप यहाँ सरनेम डालना है। नीचे लिखिए नातेदारी की किस्म, इनसे आपका क्या रिलेशन है वो डालना है, ये फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, गुरु है या अदर है। हमने फादर का नाम लिखा है, इसलिए हम इसमें फादर सेलेक्ट करेंगे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दो तरह से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 जनवरी 2020 को आपकी एज कितनी है वो यहाँ डाल सकते हैं, या फिर नीचे आप कैलेंडर से अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा आएगा आवेदक का लिंक, इसमें आप मेल है या फीमेल है आप यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एड्रेस फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपना वर्तमान पता टाइप कर सकते हैं। सबसे पहले राज्य आ जाता है, इसको मैंने NCT ऑफ दिल्ली ऊपर कर दिया है। जिला न्यू दिल्ली कर दिया है, इसको भी मैंने ऊपर फिल कर दिया था, इसलिए नीचे आ गया। यहाँ हाउस नंबर डालना है, हमने यहाँ गली क्षेत्र स्थान पे, यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। नीचे शहर का नाम डाल देते हैं, नीचे डाक खाना, आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है वो डाल देते हैं। उसके बाद आप पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद अगर आपका वर्तमान पता आवेदक का अस्थायी पता दोनों सेम है तो यहाँ उपरोक्त के समान, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर जो आपने एड्रेस फिल किया था वो नीचे फिल हो जाएगा। अगर आपका आवेदक का स्थायी पता दूसरा है तो आप यहाँ पूरा पता फिल कर सकते हैं। यहाँ आप अपना एपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे।
नीचे आपकी फैमिली या पड़ोसी का वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना होता है। आप यहाँ वोटर आईडी कार्ड अपने फैमिली या फिर पड़ोसी का डालेंगे तो ये एप्लीकेशन जल्दी रन करेगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। नीचे एक और ऑप्शन आपको मिलता है कि इनमें से कोई आपको प्रॉब्लम है, सुनने में दिक्कत है, दुर्बलता है या फिर और कोई दिक्कत, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर ईमेल आईडी डालेंगे, उसके नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे ये आपके वोटर आईडी के साथ लिंक हो जाएगा। उसके बाद आपको सहायक दस्तावेज अपलोड करना होगा जिसमें सबका फोटो, आयु प्रमाण पत्र और पता प्रमाण पत्र, अपने सारे दस्तावेज अपलोड करने होंगे जो कि 2 MB से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो सिर्फ 2 MB के होने चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं आयु प्रमाण पत्र में आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। आयु प्रमाण पत्र में बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आप दे सकते हैं। और पता प्रमाण पत्र में आप देख सकते हैं इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, इनकम टैक्स पेपर, रेंट एग्रीमेंट पेपर, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, गैस कनेक्शन बिल। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ घोषणा लिखा हुआ है, इसमें आप भारत की नागरिक हैं, किस स्थान पे आपका जन्म हुआ है वो पता यहाँ डालेंगे। उसके बाद आप इस जगह डालना होगा कि आप कितने दिनों से इस जगह पे रहते हैं, अब वो तारीख डाल देंगे, कितने सालों से या कितने महीने से आप यहाँ रहते हैं जिस जगह का आप वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। इस जगह पर आपको पुराना पता डालना है, जिस पते पे आप पहले रहते थे आपको वो पता डालना है। यहाँ राज्य सिलेक्ट करेंगे, हाउस नंबर सिलेक्ट करेंगे, शहर का नाम यहाँ टाइप करेंगे, पिन कोड डालेंगे। उसके बाद आप विधानसभा क्षेत्र यहाँ सिलेक्ट करेंगे, गली क्षेत्र या स्थान का नाम यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद अपने पोस्ट ऑफिस का पता यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जिला कौन सा लगता है वो सिलेक्ट करेंगे। नीचे स्थान लिखा हुआ है, इस जगह पे आप किस स्थान से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आप यहाँ वो पता लिखना पड़ेगा। उसके बाद दिनांक में आप देखेंगे किस जिस तारीख को भी आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे वो डेट आ जाएगी। यहाँ आगे कैप्चर कोड डाल देंगे, उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आपको रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा, इस रेफरेंस नंबर से आप अपने वोटर आईडी को ट्रेस कर सकते हैं आपका वोटर आईडी सबमिट हो गया या फिर कैंसिल हो गया। चलिए हम देख लेते हैं इस रेफरेंस नंबर से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को कैसे ट्रेस करते हैं। वोटर आईडी कार्ड को ट्रैक करने के लिए होम पेज पे जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना रेफरेंस आईडी डालेंगे और यहाँ ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद किस तारीख को आपको सबमिट किया, उसके बाद आप देखेंगे किस डेट को आपने सबमिट किया है, BLO अपॉइंटेड किस तारीख को हुई है, फील्ड वेरीफाई किस तारीख को हुई है और एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।